गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने वॉवल यू के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब वॉवल यू किसी लेटर के साथ लगता है तो अ की आवाज़ देता है, जैसे बी, यू, ब और टी से बना ट, बट। बट मतलब किंतु। इसी तरीके से एस एच यू टी, शट। शट मतलब बंद करना। बी आर यू एस एच, ब्रश। ब्रश मतलब कूची या ब्रश जिससे आप कलर करते हैं या आप टूथ पेस्ट करते हैं, वो वाला ब्रश। जे यू एस टी, जस्ट। जस्ट मतलब न्याय या अभी अभी। मस्ट, एम यू एस टी, मस्ट का हम प्रयोग करते हैं जब किसी काम के लिए अवश्य आ जाता है कि हमें ये चीज़ अवश्य करनी है, तो मस्ट मतलब अवश्य। इसी तरीके से डी यू एस टी, डस्ट। डस्ट मतलब धूल। तो बच्चों, आपने इन एग्जांपल्स में देखा कि हमें यू वॉवल लेटर्स के साथ लगने से अ की आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जिसमें यू लेटर, यू वॉवल किसी लेटर के साथ लगता है तो हमें उ की आवाज़ आएगी। जैसे सी यू बी ई, क्यूब। क्यूब मतलब घन। घन का मतलब होता है एक आकृति ऐसी जिसमें सारी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, सारे जो फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, जो डाइस होता है वो क्यूब शेप में होता है। इसी तरीके से टी यू बी ई, ट्यूब। ट्यूब मतलब दवाइयों की ट्यूब होती है, जिसमें दवाई होती है, कलर्स की होती है, वो वाली ट्यूब। एफ यू एस ई, फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब जोड़ना, या फ्यूज़ बिजली के तारों के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया, ये वो वाला फ्यूज़ है। इसी तरीके से बी यू डबल एल, बुल। बुल मतलब सांड। एफ एल यू टी ई, फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। तो आपने देखा इनमें यू वॉवल जब किसी लेटर के साथ लगा है तो हमें ऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है। फ्लूट, ट्यूब, फ्यूज़, क्यूब, बुल। इसी तरीके से हम इस आवाज़ को और इन एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे एफ यू डबल एल, फुल। फुल मतलब पूरा। पी यू डबल एल, पुल। पुल मतलब खींचना। पी यू टी, पुट। पुट मतलब रखना। बी यू एस एच, बुश। बुश मतलब झाड़ी। पी यू एस एच, पुश। पुश मतलब धक्का देना। टी यू एन ई, ट्यून। ट्यून मतलब सुर या ताल, या ट्यून का प्रयोग आप किसी के साथ तालमेल बैठने के लिए भी करते हो कि हमारी उससे अच्छी ट्यूनिंग होती है। जे यू एन ई, जून। जून मतलब जून का महीना, जो अभी चल रहा है। आर यू एल ई, रूल। रूल मतलब शासन करना या नियम कायदों को भी हम रूल बोलते हैं। एम यू एल ई, म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, जो कि घोड़े और गधे की एक हाइब्रिड ब्रीड है। सी यू टी ई, क्यूट। क्यूट मतलब प्यारा। एम यू टी ई, म्यूट। म्यूट मतलब मूक या चुप। कई बार आप टीवी देख रहे होते हो, अचानक से आपकी कोई कॉल आ जाती है फ़ोन पर, तो आप बोलते हो टीवी को म्यूट कर दो, ये वो वाला म्यूट है। म्यूट मतलब शांत करना या चुप। जे यू आई सी ई, जूस। जूस मतलब फलों का रस। एफ आर यू आई टी, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। एम यू एस आई सी, म्यूज़िक। म्यूज़िक मतलब संगीत। तो बच्चों, इन एग्जांपल से आपने देखा कि यहाँ पर जब यू किसी लेटर के साथ लगा है तो हमें ऊ की आवाज़ दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वॉवल यू से हमें अ की आवाज़ भी आती है और वॉवल यू से हमें ऊ की आवाज़ भी आती है। तो बच्चों, आज आप इन लेटर्स को पढ़ेंगे, इनका उच्चारण करेंगे यानी इनको बोलना सीखेंगे, और मुझे वर्कशीट करके ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।